और दोस्तों आज मैं आया हूँ एमी एमी चिकन भुजी। और दोस्तों ईरान की ये चिकन भुजी एकदम पॉपुलर डिश है और गाइस बिलीव मी ये ईरान के अलावा और इधर नहीं मिलेगी। और दोस्तों और ये यम्मीएस्ट डिश है। मी भुजींचा व्यवसाय करतो गेल्या 20 वर्ष झाले। पहिलं चिकन घेणार 1 किलो, कॉटोकेजी पोटॅटो स्लाइस करून घेणार आणि ते मसाला अप्लाय करून वाटण अप्लाय करून ते शिगीमध्ये भरून याच्यावर भट्टी याला भट्टी म्हणतात याच्यावर 3 शिगा बरोबर 1 केजी भुजी या 3 शिगा याच्यामध्ये चिकन भरून त्या मांडलं जाते कोळशावर। ते साधारण भाजलं टोपात सोडतात कांदा आणि थोडं तेल पडतो आणि ते शिजवतात पूर्ण। अच्छा हां इकडची प्रतिक्रिया पूर्ण झाली। आता इथे ते चिकन रोस्ट करायला शिजवायला ठेवले जाते। चिकन शिजलं का तो पूर्ण गरम करणार। चिकन शिजलं 1/2 किलो 1 किलो कसं आहे ते तिकडे घेणार। ते टेबल आहे जिथे डिलिव्हरी टेबल म्हणतात त्याला। त्याच्यात तिकडे मसाला असतो आणि पोहे असतात ते मिक्स करून ते पॅकेटमध्ये भरून ते डिलिव्हरी होते त्याची भुजींगची। दॅट इज भुजिंग आकाशीचं फेमस भुजिंग चिकन भुजिंग। त्यामुळं पूर्वी ही भुजिंग एक प्रकारे असं लोकांना भाजलेलं चिकनाची चिकनची फार आवड असते। तर त्याच्यामध्ये हा एक वेगळा मसाला बनवला। हा जो घरगुती आम्ही मसाला बनवतो व्हेरियस गरम मसाले मिरची लसूण आणि नंतर खोबरं वगैरे मिक्स करून त्याचा मसाला बनवतो तो मसाला आणि पोहे याचं ते मिश्रण लोकांना खायला आवडायला लागलं तेव्हापासून भुजिंग लोक घ्यायला लागले। इथं तशी याची तयारी आहे। 1 टाकायची जास्त आवडते मी जिरा आहे ते त्याच्यावर मार। हे काय जिरा आणि जिरा जिरा फक्त जिरा पावडर आता एक पोहे टाकायचं। अच्छा पोहे टाकायचे। आता ते हे पोहे आहेत ते कच्चे पोहे आहेत ते शिजवले पातळ पोहे ओके पोहे बोलतात हे शिजवलेले वगैरे काय नाही ती आता स्टीम वरती अच्छा त्याच्या गरमीमध्ये शिजतात स्टीम मध्ये ते आता राईस सारखे होणार। ओके तर म्हणजे हा भुजिंगचा प्रकार किती वर्षा पहिला आला? 50 वर्षी आधी आहे। चिकन कोळशावर भाजून खायचं मसाला टाकायला लागले। पहिला नुसतं लोक कोळशावर भाजलेलं चिकन खायचे अजून पण टिका खातात। तर चिकन टिक्यामध्ये डेव्हलपमेंट म्हणजे हे मसाला पोहे टाकणं हे त्याचं हे याच्यात म्हणजे 2 प्रकार असतात। काही स्किनलेस असते काही बोनलेस असते असे प्रकार असतात त्याच्यात। अच्छा याच्यामध्ये पण 2 प्रकार 2-3 असतात। हे झालं पॅकेट रेडी टू इट। हे रेडी टू इट रेडी टू इट 1/2 केजी पॅकेट केजी पॅकेट वाव एकदम डिलिशियस आहे। तर हा करून हा तुमचा शॉप कुठे लोकेटेड आहे काका? आगाशी फिश मार्केट। आगाशी फिश मार्केट तर लोकांना विरार स्टेशन वरून यायचं असणार तर कसं येऊ शकणार? ते रिक्षा पकडून आगाशी फिश मार्केट बोलायचं। एस टी बसून आगाशी फिश मार्केट बस स्टॉप आहे। बरोबर कारण आता बाहेर निघत नाही लोक। बरोबर ट्रेनचं सोडा तरी म्हणजे ट्रेन बंद आहे ते लोक पिकनिक बंद झाले। बरोबर मेन इकडचे कस्टमर कोण होते हे पिकनिकच बाहेर समुद्रावर आपल्या रिसॉर्ट वरती जाणारे लोक जी होती ना दे वेर आर कस्टमर्स प्लस आर लोकल कस्टमर्स किंवा कोण असं कुठून विरारून येणार ते थोडे करून येणार पण आता ते लोक रिसॉर्ट पहिले बंद आहेत स्विमिंग पूल बंद आहे आता काय थोडे चालू झालेत पण बंद आहे त्यामुळे लोक जात नाही जास्त। दुसरं म्हणजे लोकांकडे पैसा कमी झालाय कामावर पण नाही नोकऱ्या गेल्या बऱ्याच त्यामुळे पैसा पण जे तुमची भुजिंग बघितली तर ते बघण्यामध्ये एकदा ते झालं ना मला म्हणजे असं कोणत्या कस्टमरने असं नाही सांगितलं की तुझं भुजिंग चांगलं नाही। दुसरं म्हणजे फ्रेश आहे म्हणजे असं
फ्रीजचं किंवा कुठचं काढून असं भुजिंग म्हणजे सकाळी कापलं रोस्ट केलं खतम होणार. आप मेरे पीछे देख सकते हो कि सारी पोर्ट्स यहाँ पे लाइन से आ चुकी है, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखना जब भी आप विरार किले को आते हो कि जब भी आप शूज पहन के आओगे तो एक साथ में चप्पल एक्स्ट्रा लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बोट में चढ़ने के लिए और उतरने के लिए थोड़ी देर पानी में जाना पड़ता है. तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास कोई शॉर्ट्स हो या कोई स्लिपॉन्स हो कि चप्पल हो. तो यहाँ से अगर आप व्यू देखोगे तो यहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल व्यू है. पशान भोईर, भोईर साहेब तुम्ही किती वर्षापासून इकडे काम करता? 30 वर्षापासून. हेच आपलं मशीन सुकवायचं? अच्छा, 12 वर्षापासून तुम्ही करता. खूप छान. अच्छा चला. विरार किले में आज हम विरार किला में आए हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि विरार किला चारों तरफ से समंदर से घिर चुका है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है ये विरार किले का. इतने सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है. आप जैसे कि देख सकते हो दोनों दरवाजे पे हाथी बनाया गया है, शेर बनाया गया है, और ये पूरी तरह से ये जो है ये वॉच टावर्स है. तो यहाँ पे शायद से कुछ सालों पहले यहाँ पे सोल्जर्स खड़े होते होंगे और उस तरह से पानी में देखते होंगे कि वहाँ से कोई दुश्मन आ रहा है कि नहीं. ये चारों तरफ से ये वॉच टावर्स आप देख सकते हो पूरे किले में है, और ये पूरी तरह से चारों तरफ से नज़र रखने के लिए बनाए गए. विरार किला है ये एक द्वीप पे लोकेटेड है, और इस द्वीप की खास बात आपको क्या लगता है? दोस्तों इसकी खास बात है कि ये पूरा पानी से घिरा हुआ है. तो ये पूरे अरेबियन सी में पूरे पानी के बीच में ये किले को बनाया गया है, और इसकी बनावट इस तरह से की गई थी कि इस किले से चारों तरफ से गुजरात से लेकर मुंबई से लेकर अरेबियन सी के एंड तक जहाँ से भी अगर हमला होने वाला होगा इस किले पे तो उसे पूरी तरह से यहाँ पे नज़र रखी जाती थी. तो आइए हमें फॉलो कीजिए, हम आपको और इस किले के बारे में बताते हैं. तो उम्मीद है कि आपको इस विरार किले का टूर का मज़ा आ रहा है. उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हमें अपने नेशनल हेरिटेज को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से जो इसकी हिस्ट्री है,
जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, रियलिटी में उसे यहाँ पे आके देखना कि उसकी हालत कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वसई फोर्ट के बाद आपको ये विरार किला का टूर ज़रूर पसंद आएगा। किला घूमते घूमते एक ब्रेक तो बनता है और ब्रेक में हम ट्राई करेंगे डिलीशियस भोजन। वाव वाव किया यार, तुम यम डिलीशियस लग रहे। इसका मसाला भी ट्राई करके देखते हैं। अंकल बोल रहे थे कि इसका यूनिक मसाला होता है। थोड़ा सा चिकन मेरे मुंह में, थोड़ा मसाला में, सच में सही लग रहा है। थोड़ा बोनलेस इसमें इतने सारे लेयर्स, थोड़ा पतला, थोड़ा मोटा, और इसके मसाले जो है वो एकदम सुपर है। तो जैसे कि वो बनाने का उसका प्रोसेस था, तो उसको पहले उन लोग ने मस्त ग्रिल किया, तो उसको हिंदी मराठी में, जैसा मराठी में बोलते हैं भूजना, हिंदी में भूजने को भूजते हैं उसको, तो उसको मस्त भूजने के बाद उसके अंदर ये उन्होंने लोकल मसाला डाला, पोहा डाला और क्या डिश बनाई है। सच में मुझे लगता नहीं अपन इतने जगह पे खाया है यार, भोजन टेस्ट नहीं किया। पूरे टीम को भी रिकमेंड है, सब सारे व्यूअर्स को, कि यहाँ पे आके इस भोजन को ट्राई करना चाहिए। सच में गया। करते हैं किले की विद चाय और कियान का बिरा।
कैडबरी शेक भी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।